अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों मेरा नाम शाहिद अहमद कोलू है हमने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है और मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि जो भी हमारी पार्टी में आना चाहता है वो शौक़ से आई और जो भी कोई प्रॉब्लम हो हम संभालेंगे और जो भी जो भी हमारी पार्टी में आएगा क्योंकि हमारी पार्टी ऐसी है जो बहुत सारे काम करते हैं इस मकसद से बीजेपी ज्वाइन किया है क्योंकि बीजेपी बहुत कुछ किया है बीजेपी ने जैसे यहाँ पे हमारी सरकार है एन है जैसे कांग्रेस है पीडीपी है वो सारे चोर है जो कि उनको करना चाहिए अभी हमारे कश्मीरी लोग बोलते तीन सातर उठाया मोदी जी ने वो मोदी जी ने नहीं उठाया वो तो कांग्रेस पार्टी ने पीडीपी ने एनसी ने साथ दे वो पूरा खत्म किया था उन लोगों ने वहां पे कुछ बचा नहीं था फिर इन लोगों ने उठा दिया बहुत डेवलपमेंट है यहाँ पे कश्मीर में जैसे की बीजेपी सरकार ने जैसे कि गोल्डन कार्ड की बात जो मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था गोल्डन कार्ड दिया है इस्टाम कार्ड दिए थे और बाकी भी बहुत कुछ दिया था बीजेपी सरकार ने और ये खाली लोगों की गलत है हम उनको बोलना चाहते हैं हमारे साथ जुड़िए आप और जो भी है हम करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर यूपी तो में भी इलेक्शन हो, हो रहे हैं अभी पंजाब में भी हो रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे भी हमारी सरकार आए और जे के का जे के जो हमारा स्टेट है उसका भी उसमें भी हमारे जो सीएम बनेंगे और हमारी पार्टी के बनेंगे सर सर अभी जो हमने बहुत अपील की थी एनसी गवर्नमेंट से पीडीपी गवर्नमेंट से हमने अपील की थी जो फायर सर्विस हमारा डल लेक में वो अभी तक किसी ने काम नहीं किया कोई किसी ने हमारी हेल्प नहीं की बहुत नुकसान हुआ हमारे डल लेक में और मैं अपील करता हूँ पूरे डल लेक वालों से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कॉन्टेक्ट करो हमारे पास आइए सबके के सही ठीक हो जाएंगे सर इंशाल्लाह हम फायर सर्विस कुछ ही दिनों में हमने बहुत अपील की थी बहुत सरकारों से हमने अपील की थी किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया वहाँ से तो हमने खाली बीजेपी सरकार से खाली रिक्वेस्ट की थी और कुछ ही दिनों में उसका रिजल्ट भी आया और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में फायर सर्विस हमारा यहाँ पे आ जाएगा